भी वीर रस का, मैं शुरू में मैं भी वीर रस का ही कवि था, तो एक बार मैंने सुना दी जोर जोर से, मैंने कहा महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर, जिनकी बंदूक से हो गए लाखों ढेर, तो नीचे से बोला अबे तू थोड़ा ठहर। मैंने कहा क्या हो गया भाई, बोले बेवकूफ महाराणा प्रताप बंदूक नहीं बाला चलाते थे। तो ऐसे क्या है, टेंशन हो जाती है, मैं कोई ऐसी बात थोड़ी बात नहीं करता, एक भाई तो बात करने में बिजी है, नहीं तो हंस रहे मुस्कुरा रहे, ये ऐसे ही लोग होते हैं जो रात को रजाई में नहीं करूंगा माथा फोड़ी की, अपने वो कोई मतलब नहीं है माथा फोड़ी से, इधर तो ठंड बहुत पड़ रही है भाई साहब, इतनी ठंड पड़ रही है, अब रात को मैं रजाई उड़ के सोता हूं भाई साहब, आधी रात तो मेरे को यही मालूम नहीं चलता ये रजाई आड़ी किधर से है लंबी किधर से है। इतनी माथा फोड़ी कौन पाले देश में, ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। मैं देखो दिमाग की बात करता हूँ, मैं तो पिछले दिनों एक दुकान पे गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो चावल दो, वो बोला काई में लेके जाएगा, मैंने कहा एक थैला लेके आया इसमें लेके जाऊंगा, उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो बाजरा भी दो, वो बोला ये किस में लेके जाएगा, अरे मैंने कहा ये थैला लेके आया ना इसमें डाल दे, बोले इसी में आ, मैंने कहा मेरी लुगाई फ्री है भीड़ती रहेगी तो मिस कर देते, उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो 5 किलो गेहूं भी दो, वो बोला ये किस में लेके जाएगा, अरे मैंने कहा तू थैले में मिक्स कर देना यार तेरे को काई बात की प्रॉब्लम है, उसने तीनों एक में मिक्स कर दिए। अब मैं जैसे ही थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट, मैंने कहा पेमेंट अगले साल, बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता, मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल तू वापिस पकड़ा। आजकल देखो ये नए नए छोरे भाई साहब, ऐसे ऐसे छोरे मिलेंगे आपको, 100 ग्राम का मुंह और 2.5 किलो की दाढ़ी, और फिर ऐसे लिखते हैं फेसबुक पर टिकटॉक पे ऐसे वीडियो बनाते हैं ये स्लो मोशन में, हम जहां चलते हैं तो दिल्ली के तख्त बदलते हैं, आलंगीन के घर जाके देखो तो पता चलता है टीवी का रिमोट भी मम्मी से पूछ के बदलना पड़ता है, मैं कौन सा चैनल लगाऊं फैशन टीवी लगाऊं क्या, बोला नहीं बेटा तू अभी भी उस पे डिस्कवरी पे ही अड़ा रहे या कोई कार्टून नेटवर्क देख ले, और लड़कियां ये लड़कियां जेब में सलमान खान का फोटो रखती है, हालांकि बाद में इनका भी ब्याह जेठालाल से ही होता है।